आज मैं आप लोगों को टोफू का एक हेल्दी नाश्ता बताने जा रही हूँ। देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके। ये प्याज है, मैंने एक प्याज कट कर लिया है, और ये टमाटो है, एक टमाटो कट कर लिया है, और एक ग्रीन चिली है, ये हाफ जिंजर है, हाफ इंच जिंजर है, ये थोड़ा सा पालक कट पर अगर आपके पास है तो लीजिए, या तो फिर आप धनिया ले सकते हैं इसकी जगह पे, और एक आधा कैप्सिकम कट कर लिया है, और छोटा सा कैरेट कट कर लिया है। और टोफू को हम चूंकि भुर्जी बना रहे हैं तो इसको मैं हाथ से ऐसे क्रश करके डाल दूंगी तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इसमें। थोड़ा सा मैं एक से दो स्पून और मैं बनाऊंगी। ये 250 ग्राम टोफू है, तो ये दो से तीन लोगों के लिए एनफ है सुबह के नाश्ते के लिए, और बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले मैं आयल डालूंगी कढ़ाई में। मैं इसमें 2 टेबल स्पून आयल छोड़ रही हूँ। मैं इस नाश्ते में कोई जीरा या कोई और तड़का नहीं छोड़ूंगी, केवल बहुत ही क्विक नाश्ता बनने वाला नाश्ता बना रही हूँ। तो उसे प्याज और ये सब सामान छोड़ रही हूँ, मिर्ची वगैरह, टमाटर मैं बाद में छोड़ूंगी, थोड़ा प्याज कुक हो जाएगा। प्याज थोड़ा कुक हो गया, अब मैं टमाटर छोड़ रही हूँ, थोड़ा टमाटर हल्का सा कुक हो जाए। मैं इसमें हल्दी या कोई गर्म मसाला नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें जल्दी और क्विक नाश्ता बना रहे हैं इसका, तो सब्जी की तरह ना हो इसलिए हमें सिर्फ वेजिस छोड़ रहे हैं, कोई हल्दी या गर्म मसाला नहीं छोड़ रहे हैं। मैं इसमें कोई सॉस या चटनी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये बिना चटनी और सॉस के ही बहुत अच्छा लगने वाला है। ये छोड़ रही हूँ, ये पालक है, आप पालक की जगह धनिया भी छोड़ सकते हैं, और ये कैरेट है थोड़ा सा, ये कैप्सिकम। थोड़ा सब्जी 2 मिनट से 3 मिनट कुक हो जाएगी, बस हल्का क्रंची रहे इतना ही कुक करना है, तो उसके बाद टोफू क्रश करके हम छोड़ देंगे। अगर आपके पास पालक है तो पालक जरूर छोड़े, तो जिससे ये बहुत हेल्दी हो जाएगा। जो भी वेजीज हैं आपके पास, कॉर्न भी हो तो कॉर्न भी छोड़े, तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और छोड़ रही हूँ, यदि आपके पास टोफू नहीं है तब आप पनीर छोड़ सकते हैं, बट आप अगर हो सके तो टोफू जरूर लीजिए, बहुत अच्छा लगने वाला है इसके साथ। दो से तीन मिनट हो गया है टोफू कुक होते हुए, अब इसमें मैं स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पेपर क्रश करके डाल रही हूँ, और आप अगर पसंद है तो डालें, नहीं तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा लेमन ड्रॉप डालूंगी जिससे स्वाद बहुत इन्हेंस हो जाएगा। थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स डालना है, जिस डालते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वाद इन्हेंस हो जाएगा इसका। और अगर आपके पास धनिया है तो छोड़ दीजिए ऊपर से। हम ब्रेड पर लगाएंगे तो ब्रेड सैंडविच की तरह बहुत अच्छा लगेगा, आप छोटे से नाश्ते की तरह भी इसको खा सकते हैं, बच्चों के टिफिन में लगा के खा सकते हैं, और ये बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है, बहुत हेल्दी है। देखिए मैं लगा रही हूँ, मैंने ब्रेड पे लगा दिया है टोफू भुर्जी को, उसके ऊपर चीज स्प्रिंकल करके लगा देते हैं, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको सैंडविच की तरह खा सकते हैं। मोज़रेला चीज है मेरे पास क्रश किया हुआ, वो मैं लगा रही हूँ। आप इसको चाहें तो अभी इसको चाहे डायरेक्टली ओवन में बेक करके या एज इट इज भी खा सकते हैं। और इससे टोफू भुर्जी को आप बिना ब्रेड के भी खा सकते हैं, विदाउट सैंडविच भी खा सकते हैं, तो एज इट इज भी अच्छा लगेगा, और इसको ओवन में बेक करके भी खा सकते हैं, या कढ़ाई या पैन में हल्का सा 2 मिनट के लिए कुक करके भी खा सकते हैं, बिल्कुल ब्रेड पिज्जा की तरह लगेगा। ठीक है, तवे में मैंने बटर डाल दिया है, सैंडविच हमने बनाया है पिज्जा की तरह लगेगा, इसको मैं तवे में सेक रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, चीज मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक मैं ये सैंडविच ओवन में 1 से 2 मिनट के रख के पकाऊंगी, क्योंकि चीज मेल्ट होने पे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं तवे वाला उठा रही हूँ सैंडविच, और ये जो प्लेट में है ये मैंने ओवन से निकाला है, देखिए दोनों मेल्ट हो गए चीज। ये क्विक एंड हेल्दी नाश्ता, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। ये टोफू का नाश्ता आप एज इट इज भी खा सकते हैं बिना ब्रेड सैंडविच के। अगर आपको ये सारी रेसिपी मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब।